नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने देखे थे एक्सरसाइज 4.2 में। नाउ वी विल मूव अहेड विथ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पिछली क्लास में इसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था। अब हम एक नया मेथड सीखेंगे रूट्स निकालने का, जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing the square method। ये चीज है, जरा इस चीज को देखें कि कैसे ये किया जाए। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, लेट यू हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये इक्वेशन है तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, एक्स स्क्वायर पहला वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसा कुछ लिखिए यहाँ पे b की ये चीज आ जाए, तो 2 लिख देने से ठीक है। अब अपने मन से जब आपको b पता चल गया है कि 2 है, क्योंकि 4x आना चाहिए, तो 2 इंटू a, तो 2 हो गया, ये a हो गया, b क्या लेना चाहिए, b ऐसा ले लो कि जिससे कि 4x आ जाए। 2a तो लिखना ही पड़ेगा, 2 लिख लिया और ये ax है तो x लिख दिया। b का चुनाव आपको करना है, तो ऐसी वैल्यू लिखो कि 4x आ जाए। तो मैंने 2 लिख दिया, आ गया 4x। तो यहाँ आप b स्क्वायर लिखिए, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। जिस चीज को आप ऐड करोगे उसी चीज को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, नहीं तो फिर ऊपर की इक्वेशन बदल जाएगी। तो ये जो चीज है इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी माइनस 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ये चीज बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जा सकता है कि नहीं इस चीज को। तो ये तो समझाने के लिए है, बाकी हमारा स्टेप यहां चल रहा है, तो इसलिए हम इसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यही चीज होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दीजिए, तो x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लीजिए रूट 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये अंदर वाली चीज क्या हो सकती है, माइनस 3 भी हो सकती है प्लस 3, क्योंकि उसका स्क्वायर 9 है, तो इसीलिए प्लस माइनस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं लिख सकते आपके रूट 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है प्लस 3 का, तो ये जो अंदर की चीज है वो माइनस 3 भी हो सकती है प्लस 3 भी हो सकती है। सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 2 इज प्लस माइनस 3, रूट के अंदर से कभी निगेटिव नहीं निकलता है। तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया प्लस माइनस 3 और माइनस 2, क्योंकि ये 2 अब उधर जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि x इज इक्वल टू या तो प्लस 3 माइनस 2 होगा या माइनस 3 माइनस 2 होगा। एक बार प्लस का साइन दो, एक बार माइनस का, दोनों साइन है, दोनों ही लिए जाने। तो या तो x इज इक्वल टू 1 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 5, इस तरीके से होगा।
तो ये हमने देख लिया कि स्क्वायर ये जो बनाया है इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब जरा देखें, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर, तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर सम मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज है, कई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टराइज नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक मेथड बचता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सबको नहीं सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत के फैक्टर नहीं बनते हैं, क्योंकि रूट वालों के फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कईयों के नहीं बनते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आप लिखिए 3x² माइनस लिखिए 2 लिखिए और 3x, क्योंकि 2a। अब सोचो b क्या लिखा जाए कि 15 आ जाए, तो b लिखने के लिए आप 5 लिख दीजिए तो 15 आ जाएगा, बट 2 फालतू है तो 5/2 लिखो। भाई 3 5 जब 15 है, लेकिन ये 2 यहाँ गड़बड़ कर रहा है, तो जो चीज़ गड़बड़ करे उससे डिवाइड कर देना और अपना काम बना लेना। तो b हमें मिल गया है 5/2। जब b मिल जाए तो b का स्क्वायर कर दो, तो b का हमने स्क्वायर कर दिया। अपने मन से कोई चीज़ जोड़ी नहीं जा सकती, तो उसको हटा भी दो, तो हटा भी दिया, और साथ में जो +6 लिखा था उसको लिखते हुए आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास a² + b² -2ab है। जब आपके पास एक आइडेंटिटी है तो उसका यूज कर लीजिए। तो उसका अगर यूज करेंगे तो 3x -5/2 का स्क्वायर है। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ प्लस क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। बाकी यहाँ देखिए, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीजें उधर ले जाओ, यहां से यहां तक तो कंज्यूम हो गया ना, तो अब उस साइड आप 25/4 ले जाइए, क्योंकि इसका स्क्वायर 25/4 है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 को भी उधर ले जाओ जो कि निगेटिव हो जाए। तो 3x -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और 6/1, तो 1 4 जा 4 और 4 6 जा 24। तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 1/4। यदि आप स्क्वायर रूट हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर हटाएंगे यहां से, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां प्लस माइनस लग जाएगा, कभी भी स्क्वायर रूट लगाओगे। तो यहां पर 3x -5/2 इज इक्वल टू दिस, ये चीज हो गई। सो 3x -5/2 की वैल्यू हो गई +-1/2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। अब जो 3x -5/2 है, तो 3x को क्या लिखा जा सकता है? +-1/2 +5/2। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, इसलिए 3x इज इक्वल टू +-1 +5/2। 2 नीचे लिख लो, ऊपर +-1 है और +5 है, 2 नीचे रह जाएगा। तो x क्या हुआ? +-1 +5/2 इंटू 3, ये हो गया। तो x क्या हुआ? +-1 +5/6। तो एक बार एक्स को +1 +5/6 लेना, और एक बार एक्स को -1 +5/6 देना, एक बार पॉजिटिव साइन लो एक बार निगेटिव साइन लो। तो ऐसा लेने पर
हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए, सो एक्स इज इक्वल्स टू 6/6 और 4/6, सो एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 2/3 आर डिजायर्ड रूट्स। तो यही दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिजायर्ड रूट्स हुए। जरा हम किसी और क्वेश्चन को लें। सो एक क्वेश्चन दिया है 3x² - 5x + 2 = 0। यहाँ 3x² है, अपने मन से 3 का मल्टीप्लाई कर लो, इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब देखो पीछे क्या था, पहले तो 9x² था तो वहां में कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहां पर तो 3x² है तो ये परफेक्ट नहीं है, तो क्यों ना हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट बना लें। ऐसा करने से ये 9x² - 15x और +6 = 0 हो गया। अब ये जो सवाल है ये बिल्कुल इसी तरीके से बन गया है, अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो कभी ऐसा हो तो उसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें, फिर बाकी का काम कर लें। नाउ अब आपको दिया गया है कि सॉल्व एग्जाम्पल 2 के, एग्जाम्पल 7 की बात कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल 7, सॉल्व 2x² - 5x + 3 = 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द मेथड से करना है। तो देखो ये 2x² - 5x + 3 = 0 है, आप इसमें ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² बन जाएगा, तो वो फिर एक होल स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो 4x² - 10x + 6 = 0। 4x को क्या लिख सकते हो, 2x² - 2 लिखो और 2x लिखो, क्योंकि 2a। अब b क्या चुना जाए, मैं भी अगर 5 चुन लेता हूँ तो 10 आ जाएगा, लेकिन ये 2 गड़बड़ कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। अब हमारा b बन चुका है, जो भी b है उसका आप स्क्वायर कर लें और ऐड कर लें। साथ ही जब ऐड किया है तो इक्वेशन बैलेंस बनी रहे इसलिए सब्ट्रैक्ट भी कर लें। इस तरीके से हमने कर लिया, बीच में b का ऐसा चुनाव होना चाहिए कि ये चीज आ जाए। अब हमारा एक आइडेंटिटी बन चुका है, तो a² + b² - 2ab, तो इसे 2x - 5/2 का स्क्वायर कह सकते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है और ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी, तो वहां जाने पर ये तो 25/4 बनेगा और जबकि ये -6 बनेगा। तो इनका एलसीएम लेने पर ये 25 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 और फिर 1 से मल्टीप्लाई, और 1 4 जा 4 और 4 6 जा 24, तो इस तरीके से ये 1/4 आ जाएगा। तो 2x - 5/2 का स्क्वायर, सो 2x - 5/2 -√ ये आ गया। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पर 2x - 5/2 = -1/2, क्योंकि 4 का √2 होता है। अब ये 5/2 उधर ले जाओ तो 2x = +-1/2 और +5/2, तो ये चीज हो गई। नाउ
टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस फाइव, डिनोमिनेटर कॉमन है तो नीचे लिख दो, ऐसे कर दो। इसके बाद यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस फाइव बाई टू इंटू टू, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो प्लस माइनस वन प्लस फाइव बाई फोर। तो एक बार आप प्लस साइन लीजिए और एक बार आप माइनस साइन लीजिए, ऐसा करने पर ये 6/4 बन जाएगा और ये 4/4 बन जाएगा, और x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी या फिर 1 हो जाएगी। सो डिजायर्ड रूट्स आर 3/2 एंड 1। तो डिजायर्ड रूट्स आर 3/2 एंड 1। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारी इक्वेशन है उसके डिजायर्ड रूट्स क्या हैं, डिजायर्ड रूट्स। तो ये बात हो गई। अब जरा देखें, इसमें बहुत आसान है, इसमें ये नहीं करना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बस कर लो तुरंत हो जाता है, सोचना ही नहीं है कि पता नहीं फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसे फैक्टर बने या ना बने हो ही जाएगा। और जो सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन से और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होते हैं वो भी इससे हो जाते हैं, इसलिए ये सुपीरियर मेथड है। जरा और देखें, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में दिया गया है कि फाइंड रूट्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब जरा देखें, तो हमारे पास फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, जिसमें ए अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25x² परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। सो 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 5x² पहले वाले का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5x। तो ये ए बन गया। अब बी क्या चुनो बताओ, 5 × 2 = 10 है और यहाँ 30 लाना है, तो 3 बस चुन लीजिए, बहुत आसान है। 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30, 30 है कि नहीं, और निगेटिव तो साइन है ही है। सो प्लस 3² माइनस 3² क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो रखोगे, तो 20² तो अपने मन से ऐड करना पड़ेगा, और जब ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -10 इज इक्वल्स टू 0। ये सारा का सारा एक आइडेंटिटी है, तो इसलिए 5x माइनस 3, माइनस 3 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये दोनों चीज उधर चली जाएगी, 9 भी उधर चला जाएगा, 9 है, और 10 भी उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो 5x - 3 है, तो उधर 19 बना कि नहीं, तो 19 का रूट लेना पड़ेगा, अगर स्क्वायर रूट हटाओगे और प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब जरा देखें कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, रूट्स कैसे निकाले जाए। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 5x + 3 इज इक्वल टू √19, तो ऐसा करिए 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस √19 और प्लस 3, तो एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस √19 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो x क्या हो गया, एक बार प्लस √19 प्लस 3/5,
और माइनस रूट 19 प्लस 3/5। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, तो टीचर समझ जाता है प्लस माइनस है तो दो रूट हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। पिछले सवालों में सिंप्लीफाई हो जा रहा था तो 3/2 और 1 आ जा रहा था, तो कभी 2/3 और 1 आ जा रहा था, यहाँ पे तो रूट से रेशनल से ही रेशनल कैसे सॉल्व होगा, इसलिए कई बार यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। खैर बुक में तो ये आंसर दिया है तो हमने भी लिख दिया आर इट्स रूट्स, बट ये कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं, यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, आर इट्स रूट्स लिख दो यहाँ पर भी तो चल जाएगा। एग्जाम्पल 9 देखिए, फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। तो एग्जाम्पल 9 में क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बात कही गई है। नाउ इसका सोल्यूशन देखें, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए 2x का स्क्वायर लिखो, और इसके बाद प्लस, नाउ प्लस 2 × 2x, बट हमको तो लाना है 3x, तो ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है, 2 और 2 से कैसे 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लो और जो चीज फालतू है उससे डिवाइड कर लो, 4 यहाँ फालतू है तो इसलिए 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा जबकि हमें b मिल चुका है तो b का स्क्वायर भी ले लो, b का स्क्वायर भी तो चाहिए आइडेंटिटी में, और जो चीज़ आपने ऐड की है तो उसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर लें जिससे इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab से क्या बनता है, इससे बनता है 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये सब चीज़ें उधर ले जाओ, तो उधर ले जाओगे तो 9/16 आ जाएगी और माइनस 5, भाई ये तो 9/16 है तो उधर ले जाओगे तो प्लस में चला गया और ये माइनस में चला गया, इसका एलसीएम लीजिए तो ये 16 है तो ये 9 है तो ये 1, और 16 से 16 आया डिवीजन करने पर 16 × 5 = 80, तो यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, इट कम्स एज −71/16, और 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्या किसी चीज का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव का तो होगा ही नहीं, निगेटिव नंबर का −2 का स्क्वायर वो भी निगेटिव नहीं हो सकता किसी का निगेटिव, तो यहाँ पर ये चीज गलत है, इट इज फॉल्स, क्योंकि कोई रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। सो 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाइए और √−71/16, ये चीज हो गई। अच्छा अब ये है 2x प्लस 3/4 है तो प्लस 3/4 को भी अब उधर ले जाना है, 3/4 का यहाँ कोई काम नहीं है, सो इसलिए 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √−71/4, नीचे की चीज तो खुल गई, ऊपर −√71 का कुछ नहीं हो सकता, और −3/4 उधर ले गए, चूंकि इन दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर हैं इसलिए −√−71/3/4, और ये 2 भी नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू −√−71/3, और जब 2 नीचे जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो टू नीचे जाने पे तो फिर एट हो जाएगा ना। अब यहां पर आपके पास दो रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, एक बार तो प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, यहां पर छोड़कर भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ सॉल्व तो हो नहीं सकता, एज रूट -71 कैन नॉट बी टेकन, इसका नहीं लिया जा सकता। सो ये जो एक्स है, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ये रियल नंबर नहीं आएगा, इससे कोई रियल नंबर आ ही नहीं सकता। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो समझिए उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, हैज नो रियल रूट्स, ऐसी बात है। अब जरा देखें कि एक क्वेश्चन दिया गया है, और बोला गया है कि इसके रूट्स निकालें, वो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसी के रूट निकलवाए जा रहे हैं। सो फाइंड रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको क्या दिया गया है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अपने मन से ए का मल्टीप्लाई कर लो। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ऐसा करने पर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना पाए हैं। तो इसे लिखो ए एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 और ए एक्स, क्योंकि 2a, अब b आपको चुनना है, b क्या चुना जाए कि ए बी आ जाए, तो b को तो फिर आपको b बाई 2 चुनना पड़ेगा क्योंकि 2 फालतू है, फालतू चीज को नीचे से डिवाइड करके एलिमिनेट कर देना। अब ए बी एक्स आ गया, अब जिस चीज जब आपका b आ चुका है तो क्यों ना b के स्क्वायर को ऐड कर लिया जाए और बी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ए सी अपनी जगह बना रहेगा। यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, बाकी चीजें वहां ले जाइए, तो दूसरी तरफ बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा और माइनस का ए सी आ जाएगा। यदि दूसरी तरफ लघुत्तम समापवर्त लिया जाए या फिर एलसीएम लिया जाए तो ये 4 से 4 डिवाइड होके बी स्क्वायर और 1 से आया 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4ac, और लेफ्ट हैंड साइड में बताइए क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। नाउ ए एक्स प्लस बी बाई 2 क्या हुआ, तो पूरे का रूट लेना पड़ेगा, और अगर रूट लेना पड़ेगा तो बाहर प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4, नीचे का तो स्क्वायर रूट निकल आएगा, ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा। तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 इज प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2 आ गया। अब यहां पर जो ए एक्स है इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आप क्या कर दो, बी बाई 2 उधर ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 और माइनस बी बाई 2, ये चीज हो गई। तो फिर ए एक्स क्या हो गया, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी बाई 2। तो ए एक्स में अब यहां पर
ए को भी नीचे ले जाओ, ए का अब यहाँ कोई काम नहीं है, ए को नीचे ले जाओ, यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा। और ऊपर ऊपर बी को पहले लिख लो माइनस बी, और रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे टू है और टू के पास ए चला जाएगा तो टू ए हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, शफलिंग की है, माइनस भी पहले लिख दिया वो बाद में लिख दिया। तो यहाँ पर अब दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस लेने से आ जाएगी और एक बार माइनस लेने से, तो टू रूट्स क्या हो जाएंगे, सो टू रूट्स आर, एक तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होगा, और एंड माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू, ये हो गया। नाउ ये हो गया, तो ये रूट्स हो गए, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो हमने ये बना लिया है रूट निकालने का फार्मूला, तो कभी अगर आपकी इच्छा ना करे भाई हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी नहीं लगाएंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं लगाएंगे, तो आपको मैंने तीसरा ऑप्शन दे दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए बी सी की वैल्यू उसमें डालो, दोनों रूट्स निकालो, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, तो दैट इज श्री धराचार्य मेथड, क्योंकि सबसे पहले ये इंडिया में ये आया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इंग्लिश में तो यही कहते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश पर्सन हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया है और इंडिया क्लेम करती कि हमने बनाया है, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट है, बट क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 क्या है, एग्जाम्पल 10 में कहा गया है कि जो हमने एक रिसाइटिंग हॉल जिसमें प्रेयर की जाती है उसकी एक साइड अगर एक्स है और जो लेंथ है वो दुगने से एक ज़्यादा है और उसका एरिया 528 है, ये चीज है, तो इस रिसाइटिंग हॉल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और साथ ही साथ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करिए। सो मेक, ये हम पहले कर चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, लेकिन अब इससे करेंगे, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। नाउ अब देखिए, तो जो हॉल है उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया होगा। सो इसका सोल्यूशन आप देखें, सो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, सो 2x प्लस 1 इनटू x इज 528, x से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, सो कंपेयरिंग इट विद, ये डिजायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया है, विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हम इससे कंपेयर करें तो a 2 आ जाएगा, b 1 आ जाएगा और c की वैल्यू माइनस 528 आ जाएगी। जबकि a b c आ गया है तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि
हमको रूट्स निकालने में मदद करता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, आगे की सारी एक्सरसाइज अब इसी फार्मूले पे है। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू वन है, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है टू, सी कितना है माइनस फाइव ट्वेंटी एट, डिवाइडेड बाई पूरे में डिवाइड करिए कोशेंट पूरे में लगाइए टू इंटू टू, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है टू, तो टू इंटू टू दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये तो वन हो गया, और फाइव फोर टू जाइए एट से मल्टीप्लाई करो, और माइनस इंटू माइनस प्लस एट है ना ये, तो एट से मल्टीप्लाई करो, एट एट जा सिक्सटी फोर, एट टू जा तो एट एट जा सिक्स एट है ना ये, एट एट जा सिक्सटी फोर, एट टू जा सिक्सटीन, और सिक्सटीन में सिक्स जोड़ो तो ट्वेंटी टू, और एट फाइव जा फोर्टी, फोर्टी में टू जोड़ो तो फोर्टी टू, और डिवाइडेड बाई फोर, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो माइनस वन प्लस माइनस रूट फोर टू टू फाइव और डिवाइडेड बाय फोर, तो फोर टू टू फाइव डिवाइडेड बाय फोर आ गया। अब जरा देखो फोर टू टू फाइव इसके जोड़े बनाओ, पीछे से जोड़े बनते हैं, इधर से बनाया करो, अगर एक बच जाए तो इस साइड वन बचना चाहिए सिंगल, उधर नहीं बचना चाहिए राइट में, तो हम इस साइड से राइट से लेफ्ट चलते हैं जोड़े बनाते समय, ऐसे पीछे से जोड़े बन गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, 42 है तो 6 या 36, जो डिजिट यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो, बचा कितना तो 6 बचा और 6 25, इन दोनों को जोड़ दो, ये इसको नीचे लिखो और इन दोनों को जोड़ दो तो 12 आया, अब जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे तो 125 5 जा 625, तो 125 पंजे 625, तो ये हो गया 65, सो माइनस वन प्लस माइनस 65 इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया गया है बाय 4। अब देखिए तो x दो हो सकता है, माइनस वन माइनस 65 बाय 4, एक बार निगेटिव साइन ले लिया और एक बार माइनस वन प्लस 65 बाय 4, चाहे पहले निगेटिव साइन ले चाहे पहले पॉजिटिव, उसका कुछ फर्क नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 66 बाई 4 और 64 बाई 4, तो ये x की वैल्यू आ गई माइनस 33 बाई 2, और यहाँ से 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, सो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए रिजेक्टेड, तो ये हो गया। इससे पता चलता है कि x क्या हुआ, सो x इज इक्वल्स टू 16, सो ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड लेंथ क्या हुई, दुगने से एक ज्यादा, तो 16 इंटू टू प्लस वन तो 33 मीटर, ये चीज हो गई, दुगने से एक ज्यादा ली थी कि नहीं 2x प्लस 1, तो अब इन दोनों को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के तौर पर आप लिख दें। ये तो बात हुई कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कोई सवाल करें तो ना तो हमको किसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फंसना है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, सिंपली फार्मूले में डाल दो और आंसर निकाल लो। अब देखिए फाइंड पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब हमें करना है एग्जाम्पल 11, तो एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, फाइंड पेयर ऑफ
ऑड पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 290, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 290, ऐसा दिया। मान लीजिए एक ऑड नंबर 3 है तो उसका कंसेक्यूटिव 5 है, उसका कंसेक्यूटिव 7 है, तो दूसरा ऑड नंबर 2 ऐड करने पर ही आएगा। 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो लेट टू कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दो का अंतर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस टू, दो कंसेक्यूटिव हमने मान लिया। अब इनके स्क्वायर का सम वो 290 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देम इज 290, जो कि 290 है। तो यदि इनका सम 290 है तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 290, इसे लिखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0, ये चीज हो गई। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम हटा देते हैं, इंटू 1 बाई 2 थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, तो इसको आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट with ax square plus bx plus c is equals to 0, तो a की value 1, b की value 2 और c की value minus 143 आ गई। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं using Ohm's law, वैसे ही हर सवाल में यहाँ बोलना पड़ेगा using quadratic formula, using क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बोलना ही नहीं पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा, उसके मार्क्स हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे याद भी रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हुई माइनस 2 क्योंकि b 2 है, अगर b निगेटिव होता तो एक और निगेटिव लगाते क्योंकि ये फार्मूले का निगेटिव है, और प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 143। तो सभी चीजों को प्लेस करिए और साइन के साथ करिए, ये कर दिया। x की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा माइनस में, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 तो 17, और 4 1 जा 4 तो 5, और डिवाइडेड बाई 2। हमको मालूम है कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सो इट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट 576 बाई 2। तो ये जो चीज है 576 इसका 24 होता है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं 576, जोड़े बनाओ पीछे से, तो पीछे से जोड़े बना लिए आपने, पीछे से इधर आया करो, तो 2 2 या 4 जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिखो,
176 आया, इस 2 को इसके नीचे ले आओ, इन दोनों को ऐड कर दो, अब जो यहाँ लिखो सो यहाँ लिखो, तो 44 फोर जा 176, इस तरीके से 24 आ गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 24 बाई 2, तो एक्स क्या हुआ, एक्स माइनस 2 माइनस 24 बाई 2 और माइनस 2 प्लस 24 बाई 2, तो ये माइनस 26 बाई 2 और या फिर 22 बाई 2 हुआ। x है क्या, x किसे माना गया है, तो इस सवाल में पॉजिटिव इंटीजर है x, पॉजिटिव इंटीजर तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 और 11, बट x इज पॉजिटिव इंटीजर, चूंकि ये धन पूर्णांक है सो x इज इक्वल्स टू माइनस 13 इज रिजेक्टेड, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसका उन्मूलन कर दिया। अब सो x इज इक्वल्स टू 11 एंड दूसरा क्या माना था, x प्लस 2 माना था, तो दैट इज 11 प्लस 2 वो 13 हो गया। So 11 and 13 are desired positive integers. So 13 are desired consecutive odd positive integers. आप देख लें 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 और ये 169, उन दोनों को जोड़ देंगे 290 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। एग्जांपल 12, एग्जांपल 12 क्या कहता है, नाउ एग्जांपल 12 में कहा गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 meter लेस, हुज ब्रेथ इज 3 meter लेस than its length, its area is to be 4 square meter more, its area is to be 4 square meter more. Then the area of park. ऐसा है. That has already been made in the shape of isosceles triangle. जिसको कि समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में बनाया गया है, with its base as the breadth of rectangular park, with its base as the breadth of rectangular park, ऐसा है, and of altitude 12 meter, and of altitude 12 मीटर, उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 12 मीटर है,
फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। खैर इस क्वेश्चन में फिगर दिया है, तुम फिगर भी बनाएं और उसके माध्यम से समझें कि क्या कहना चाहता है। इसका फिगर कुछ इस तरीके से है, और ये इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल है। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर पार्क हम बनाना चाहते हैं जिसकी ब्रेथ 3 मीटर लेस हो देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ तो ये है और लेंथ ये है, सो हूज ब्रेथ, लेट इट्स लेंथ इज एक्स, सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, तो उसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 मीटर, क्योंकि यहां कहा गया है ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 3 हो जाएगी। अच्छा, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड, ये बना हुआ है। ट्रायंगुलर पार्क तो पहले से ही था, लेकिन अब मान लो जोधपुर नगर निगम ने बोला कि हमें अब रेक्टेंगुलर भी बनाना है, ये पहले से ही बना है। तो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर, ये जो बनेगा इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए देन द एरिया ऑफ पार्क विच हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि पूर्ववत बनाया गया है, और ऐसा बनाया गया है कि उसका एल्टीट्यूड 12 मीटर है, देख लो। सो इन शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस एज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, उसका बेस ब्रेथ पे काम कर रहा है, ट्रायंगुलर पार्क का जो बेस है वो एज ए ब्रेथ रहे और उसका एल्टीट्यूड कितना हो 12 मीटर। तो यहां पर आप ये देखिए कि जो ट्रायंगुलर पार्क है उसका एरिया क्या होगा यहां पर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 1/2 into base into height, इट इज इक्वल्स टू 1/2 into base into height, ये देख लो भाई, बेस तो x माइनस 3 है और हाइट 12 है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो इट इज 6x-3, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क है, और जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है वो तो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है इस एरिया से, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज 4 मीटर मोर देन दिस, 4 और जोड़ दो इतना होगा रेक्टेंगुलर पार्क, लेकिन जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा वो तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो मल्टीप्लाई करो, एरिया है ना रेक्टेंगुलर पार्क का, तो मल्टीप्लाई करिए लेंथ और ब्रेथ को, और वही तो ये है 6x-3+4, सो दिस इज x²-3x इज इक्वल्स टू 6x-18+4, तो दिस इज इक्वल्स टू x²-3x-6x, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -14, लेकिन यही -14 अगर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा +14, देखो -14 आया और इधर ले आए, सो x²-9x+14 इज इक्वल्स टू 0। यदि हम इसको कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 14, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन टू ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस नाइन. ध्यान दीजिएगा बी का निगेटिव अलग है, फार्मूले का निगेटिव अलग है, और माइनस नाइन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी एंड डिवाइडेड बाय टू इंटू ए, ऐसा कर लिया गया है. सो दिस इज प्लस नाइन और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 81 और यहाँ 14 फोर जा कितना होता है 56 और डिवाइडेड बाय 2. 81 में से 56 माइनस करो तो 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, अब यहाँ बचेगा 7 तो 25. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 9 प्लस माइनस रूट 25 बाई 2, ये आ जाएगी. लेकिन रूट 25 क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 5 बाई 2, क्योंकि रूट 25 क्या होगा 5 हो जाएगा. अब जबकि 9 प्लस माइनस 5 बाई 2 आ गया है x, तो x क्या आ गया है, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 5 बाई 2. सो इट इज 9 प्लस 5 बाई 2 और 9 माइनस 5 बाई 2. सो x इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 और 4 बाई 2. सो x इज इक्वल्स टू 7 और 2. लेकिन 2 इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि लेंथ अगर 2 होगी तो ब्रेथ तो x माइनस 3 है, तो ब्रेथ तो निगेटिव हो जाएगी क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू तो x माइनस 3 है ना, तो 3 घटने पर भी तो पॉजिटिव आनी चाहिए चीज, तो 2 में से कहां 3 घटा पाओगे. तो इसलिए इट इज रिजेक्टेड. क्यों रिजेक्टेड, एज इट मेक्स ब्रेथ निगेटिव, एज इट मेक्स ब्रेथ निगेटिव, तो इसलिए इसे रिजेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया. सो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इज इक्वल्स टू 7 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 7 माइनस 3 क्योंकि x माइनस 3 था, इट इज 4 मीटर. तो इस तरीके से हमने पार्क की लेंथ और ब्रेथ निकाल ली. देखिए एग्जाम्पल 13 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 13 में दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If they exist, using quadratic formula, ऐसा कहा जा रहा है यदि वे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि किसी किसी के रियल रूट्स नहीं होते. तो पहली चीज कही गई है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बुक सिंपली एबीसी लिख दे रही है तो हम भी लिख देंगे एबीसी. हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू 2. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसमें ये सारी वैल्यू आप डाल दें. सो इट इज माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट माइनस 5 का स्क्वायर
माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो टू इंटू थ्री। नाउ इट इज फाइव प्लस माइनस रूट के अंदर 25 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो माइनस 24 बाई 6, तो यहां ये हो गया। इट इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 1 बाई 6, ये चीज हो गई। तो इट इज 5 प्लस माइनस 1 बाई 6, तो x क्या हो गया, या तो 5 प्लस 1 बाई 6 या फिर 5 माइनस 1 बाई 6, तो x की वैल्यू 6 बाई 6 भी हो सकती है और 4 बाई 6 भी हो सकती है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 बाई 3 भी हो सकती है। तो r डिजायर्ड रूट्स, ये ऐच्छिक मूल हैं, डिजायर्ड रूट्स ऑफ एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन में, इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि ये देखिए, सिंपली फार्मूले लगा लगा के करना है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो हियर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू फाइव, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र का उपयोग करने पर दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। इट इज माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ये माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस 20 है और डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। तो यहां पर माइनस 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4 बाय 2, तो आप कह सकते हैं रूट ऑफ ए निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट रियल। सो रूट माइनस फोर इज नॉट रियल, क्योंकि ये निकाली ही नहीं जा सकती। निकाली जा सकती तो मान लीजिए मैं सोच लूं एक्स होती है, अगर मैं मान लेता हूं कि इसको निकाला जा सकता है और इसकी वैल्यू एक्स है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस फोर यहां बचेगा क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो बोलो एक्स ऐसा कौन सा है कि जिसका स्क्वायर करने से माइनस फोर आ जाए, कोई आपके मन में है? माइनस टू का भी स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा, तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर निगेटिव आ जाए, कुछ नहीं होता। निगेटिव का भी तो स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये एक्स हो ही नहीं सकता कुछ। सो इज नॉट रियल, सो एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, सो एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस टू रूट टू है, जबकि c की वैल्यू 1 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने पर
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू रूट टू प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर और माइनस फोर ए और सी। जरा सोचो माइनस टू रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, टू टू जब फोर हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा तो एट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। सो ये हुआ टू रूट टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो एट और एट माइनस एट डिवाइडेड बाय फोर, सो टू रूट टू प्लस माइनस जीरो, क्यों, क्योंकि अब रूट के अंदर जीरो आ रहा है तो जीरो ही होगा, और अपॉन फोर, सो इट इज टू रूट टू प्लस माइनस जीरो बाय फोर है। तो प्लस माइनस जीरो बाई फोर को आप क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस जीरो बाई फोर लिख सकते हो, एक बार माइनस जीरो बाई फोर तो लिख सकते हो, लेकिन वो दोनों इक्वल ही होंगे। सो एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू प्लस जीरो बाई फोर और टू रूट टू माइनस जीरो बाई फोर, जीरो का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, सो टू से ये कट जाएगा क्योंकि जीरो से कोई लेना देना नहीं है, तो रूट टू बाई टू और रूट टू बाई टू, दैट इज बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। ये बात हम लोगों ने देख ली कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।